Hey guys, my name is Viren Singh. Welcome to the e-learning platform. इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ लास्ट डे टिप्स फॉर गेट एग्जामिनेशन। अगर आप गेट 2021 के लिए अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको प्रॉफिटेबल लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ आपके लिए। सो एक्चुअली जब हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम ऑप्ट कर रहे होते हैं, तो पहली चीज़ कि अपने आप को काम रखना है, कूल रखना है, जो कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर एग्जामिनेशन पे टाइम का लिमिट हो जाता है, चाहे वो CSIR हो, ICMR हो, समय की बाउंडिंग हो जाती है। लेकिन गेट एग्जामिनेशन में मैं अगर पहली बात बताऊँ, उसमें आपको एम्पल ऑफ टाइम मिलेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा समय मिलेगा। 65 क्वेश्चन करने होते हैं कुल मिला जुला के 180 मिनट में, और उसमें आप आसानी से आप कर सकते हैं। इसलिए समय दे के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, रदर देन जल्दी में गलत करने के। दूसरा टिप ये है कि गेट एग्जामिनेशन जो होता है, बहुत ही बेसिक नॉलेज को यूज़ कर रहा होता है, तो बहुत एडवांस जानने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कॉमन सेंस यूज़ करने की कोशिश करिएगा, शायद आपका आंसर जो है निकल के आ जाए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए कई बार आपको फॉर्मूला नहीं पता होता, लेकिन आपको जो पूछा जा रहा होता है कि ये बताइए, उसकी यूनिट दी रही होती है, यूनिट मैन्यूपुलेट करके भी आप निकाल सकते हैं। कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका फॉर्मूला आपको नहीं पता होता, लेकिन आप यूनिट अगर देखोगे कि पूछा जा रहा है, मान लीजिए ऊपर कोई चीज़ ग्राम में दी गई है, नीचे कोई चीज़ लीटर में दी गई है, और पूछा जा रहा है ग्राम पर लीटर बताइए, तो आपको सीधे सीधे समझ में आना चाहिए, ग्राम को ऊपर और लीटर को नीचे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये काम जरूर करिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल के कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं। नैट टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप के, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को छोड़िएगा मत। उनको चाहे यूनिट मैनिपुलेशन करके, चाहे जो भी करके, चाहे तुक्का ही क्यों ना मारना पड़े, लेकिन लिख के आना, छोड़ के मत आना। अगर भगवान की थोड़ी बहुत दया होगी तो एक आध क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा बहुत बुद्धि लगाना, सॉल्व करना, इधर उधर चार ठो कैलकुलेशन करना, अगर नहीं भी आ रहा हो तो आ रहा है तो अच्छी बात है। कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना, उसको दो बार क्रॉस चेक जरूर करना, क्यों? क्योंकि आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स ज़्यादा करते हैं, और आपका कॉन्सेप्ट आता हुआ भी गलत हो जाता है कई कई बार आपके कैलकुलेशन मिस्टेक्स से। इसके अलावा जैसा कि मैंने बोला है, गेट सेंटर पे कभी भी अपने किसी ऐसे लोगों से इंटरेक्ट मत करना जो नेगेटिविटी से भरे हुए हों, जो आपको ड्रैग करेंगे आपके इन पॉजिटिव एनर्जी को, और आपके अंदर नेगेटिविटी भरने की कोशिश करेंगे। सो अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ एनी काइंड ऑफ पर्सन जिसको आप पसंद नहीं करते, जो लगता है कि यार ये दिमाग खराब कर देगा, समथिंग लाइक दैट। और आप जब भी एग्जामिनेशन सेंटर पर जाए, तो कीप काम, डीप ब्रीथ करें, थोड़ा सा सांस, लंबी सांस ले, रिलैक्स करें। एग्ज़ाम शुरू करने से पहले अपने आप से आई कैन डू इट कम से कम 10 से 20 बार बोले। जस्ट क्लोज योर आइज एंड से आई कैन डू इट, आई कैन डू इट एंड आई कैन डू इट, रिपीट इट विथ मल्टीपल टाइम्स। आप इसको कम से कम 10 से 20 बार बोले, उसके बाद एग्जाम को स्टार्ट करें, यू विल बी फील लाइक अ क्वाइट गुड एंड क्वाइट कॉन्फिडेंट। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डिस्टर्ब भी करेंगी, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। सो रैदर देन गोइंग टू सॉल्व दोज डिफिकल्ट क्वेश्चन फर्स्ट, ट्राई टू फाइंड आउट वन क्वेश्चन जो कि आप सॉल्व कर सकते हो। पूरे के पूरे पेपर में एक क्वेश्चन तो ऐसा मिला गया जो आप सॉल्व कर सकते हो, सबसे पहले उसके लिए ढूंढना, रैदर देन कि एक तरफ से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप उस क्वेश्चन को ढूंढना जो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं पहले से, और पहला नहीं आता, दूसरा नहीं आता, डिमोरलाइज हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो परेशान होने लगते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मैंने गेट 2016 में ये गेट अटेम्प्ट किया था, और उस वक्त मेरा 6 CIR आया था। पहले के मेरे 12 क्वेश्चन मुझे आ ही नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद जब मैं 1 मार्क के क्वेश्चन से मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर गया, और वहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करी। तो मैं आपको यही एक रिकमेंडेशन करता हूँ, गेट एग्जामिनेशन को 1 मार्क के क्वेश्चन की बजाय 2 मार्क्स के क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करें, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन को ढूंढें। मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जिनको आपके क्वेश्चन आप गेट एग्जामिनेशन में 3 से 4 मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें से एक आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा अगर आपने थोड़ी बहुत ठीक तैयारी करी होगी तो। इसलिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ जाएं, और सबसे पहले उनसे कोई क्वेश्चन ढूंढे, चाहे डायग्रामेटिक मैच ऑफ द फॉलोइंग या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप कर सकते हो, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रट्टाफिकेशन बेस्ड होते हैं, जो कि कई कई बार आपको नहीं भी आ सकते हैं। इसलिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। इस बार नया
MSQ निकाला गया है, मल्टीपल स्टेटमेंट, जिसमें कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी सही होंगे, इसलिए स्टेटमेंट्स को केयरफुली और ध्यान से पढ़िएगा। कई ऐसे लोग होते हैं जो क्वेश्चंस में करेक्ट और इनकरेक्ट को गलत पढ़ लेते हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखे रहिएगा। किसी भी क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करिएगा कि उसमें करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। एंड अगेन, एक बार जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होगा, इनफ टाइम होगा क्वेश्चंस को 2 से 3 बार रीड करने के लिए, तो उसको मत भूलिएगा रीड करना। एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा जाते जाते कि हाँ, जो मैंने किया है, जो मैंने रफ शीट पे लिखा है, वही मैंने मार्क किया है या नहीं किया है। कई बार एग्जाम देने के बाद हमें लगता है कि यार, हमने सॉल्व तो किया था लेकिन वहाँ मार्क करना भूल गए थे, तो ये भी गलती आप कर सकते हैं, ये गलती मत दोहराइएगा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो आप कर सकते हैं अपने गेट एग्जामिनेशन, जो लास्ट डे अपीयर हो रहा है, उस 3 घंटे तक अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर वो 3 घंटा आपने बेस्ट नहीं दिया, तो आपका कोई, चाहे 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, चाहे 2 साल से कर रहे हो, कोई मतलब नहीं रखता। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी चक दे इंडिया, उसमें कहता है ना, वो आखिरी 70 मिनट, तुम्हारी जिंदगी के आखिरी 70 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे वही 180 मिनट आपके जिंदगी के, आपके प्रिपरेशन को डिसाइड करेंगे। 6 महीना आपका कोई नहीं देखेगा अगर उस 180 मिनट में आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो वो 180 मिनट परफॉर्म करने के लिए अपने हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। ट्राई करिए कि बाहर के फूड को अवॉइड करें, हेल्थ का ध्यान रखें, लिक्विड फूड का ज़्यादा इंटेक करें रैदर देन हैवी फूड का, क्योंकि लिक्विड फूड से आपको स्ट्रेस कम होगा और आपको नींद बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगेगी। सुबह एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने से पहले कुछ ना कुछ फूड इंटेक जरूर कर ले, और इट्स बेटर कि आप लिक्विड फूड इंटेक, जूस, शेक, मिल्क या कुछ ऐसा ले जो कि ज़्यादा बेटर हो, रैदर देन कि ठूस के चले जाना, बाद में क्लास के बीच में नींद आने लगी तो वो भी गड़बड़ है। और एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ भी आपका पड़ा हो, उस एग्जामिनेशन सेंटर का डिस्टेंस, जहाँ पे भी आप रहते हो या ट्रैवल कर रहे हो या जैसे भी हो, होटल में रुके हो, कैसे भी है, एक दिन पहले चेक कर ले कि आपको क्या ट्रांसपोर्ट यूज करना है, कैसे यूज करना है। क्योंकि आप अगले दिन करेंगे तो मे भी कभी कभी हड़बड़ी में लेट पहुंचने की वजह से भी एग्जाम खराब हो जाता है। कोशिश करें एग्जामिनेशन सेंटर पर जल्दी पहुंचने की रैदर देन लेट। आधा घंटा जल्दी पहुंच जाएंगे, माइंड रिलैक्स रहेगा, लेकिन लेट पहुंचेंगे हड़बड़ी में, जैसा कि मैंने बताया, गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन ना आए, जब भी 2-4 क्वेश्चन ना आए, जब भी आप, आपको थोड़ा सा वो फील करें, जस्ट कीप लाइक काम एंड आंख बंद करके 2-3 बार अपने आप से आंख बंद करके एक लंबी सांस लेना, और अपने आप से बस एक ही चीज़ पूछना, क्या इसी के लिए इतनी दिनों तक आप तैयारी कर रहे थे कि इतनी जल्दी हिम्मत छोड़ दो, ठीक है। जब तक 180 मिनट आपके पास है, आप हर एक क्वेश्चन पे अपना बेस्ट देने की कोशिश करिएगा, और अगर आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं तो नो डाउट आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने प्रिपरेशन करी होगी तो, डेफिनेट सी बात है। सो दीज आर द सम टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूँ, एंड अल्टीमेटली शो योर नेवर गिव अप एटीट्यूड, ठीक है। बी द इंस्पिरेशन फॉर योर सेल्फ, क्वालिफाई करिए, और एज यू नो दैट, करना है तो करना है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।